संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन बिचरे हमारे ध्यान में। अपनी ये जो गाथाएं चल रही हैं बहुत मार्मिक हैं। आप उपकुलपति जी और हमारे ओम प्रकाश जी वैज्ञानिक लोग यहाँ बैठे हैं, भाग्य से इसमें सोना बनाने की विधि की गाथाएं आने वाली हैं। क्या उत्तम सिंह जी, अपने जो कलश कल पड़ा था उस कलश के दो लाइन का अर्थ अपन कर चुके थे, बाकी की दो लाइनों का अर्थ बाकी है, पहले अपन वो करेंगे। निकालें पेज नंबर 340 समय सात, है ना, पढ़े भाई इसको। स्वयं में ही हो पर नमित अंतिम दो पंक्तियों का अर्थ रह गया था, ऊपर तो उन्होंने सैद्धांतिक बात की कि जगत की प्रत्येक वस्तु पूर्णतया स्वाधीनतया से परिणमित होती है और कोई भी वस्तु किसी दूसरे के परिणमन में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, नहीं करती है, उनके द्वारा वो बदली नहीं जा सकती है। अब ये कहते जिम, जैसे इस लोक में एक आदमी अपराध करे और दूसरे को सजा मिले, ये संभव नहीं है। देखो जिम पर जनित अपराध से बंधते नहीं जन जगत में, ये संस्कृत का छंद है लेकिन हिंदी में मैंने पद्यानुवाद किया है, सरलता की दृष्टि से ये पढ़ रहा हूँ कि लोक में करे मूछ वाला और पकड़ा जाए दाढ़ी वाला, ऐसा होता है? जो अपराध करता है उसी को सजा मिलती है, समझ ना। उसी प्रकार तत्व ज्ञान की दृष्टि से परद्रव्य में जो क्रिया हुई है उस क्रिया के कारण ज्ञानी जन बंध को प्राप्त नहीं होते हैं। बात तो सीधी सरल है लेकिन गले उतरना बहुत कठिन है। ये क्या कह रहे हैं कि कोई भी हमसे अपराध होता है कि दोष होता है, तो समझ लिया हम पांच इंद्रियों के विषयों को भोग रहे हैं। तो वो कहते हैं कि इसमें तीन तरह की चीज़ें हैं। एक तो वो भोग की क्रिया, समझो हम खाना खा रहे हैं, खाने की क्रिया, पांच इंद्रियों में आप अपना अपना लगा लेना। एक तो वो शरीर से होने वाली क्रिया और दूसरी उसमें होने वाला हमारा परिणाम और तीसरा उस क्रिया को मैं कर सकता हूँ ऐसी हमारी मान्यता। अब ये तीन चीज़ें हो गई। तो वो यहाँ कह रहे हैं कि ये तो परद्रव्य की क्रिया है, यदि ये शरीर की क्रिया के कारण आत्मा को बंद होने लगे तो वो ही हो जाएगा करे ऊँच वाला और पकड़ा जाए डाढ़ी वाला। इसलिए कहते शरीर की क्रिया से रंच मात्र भी बंद नहीं होता, कठिन बात है। मैं वो एक अच्छा सरल उदाहरण देता हूँ आपके सामने, वो बात स्पष्ट होगी कि एक आदमी ने किसी आदमी को मारने का भाव किया और उसने गोली चलाई और उस गोली चलने से वो आदमी मर गया। अब उसे उसके बदले में 1 किलो पाप लगा, यद्यपि पाप किलो के हिसाब से नहीं लगता लेकिन अपन को समझने की दृष्टि से मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूँ। कितना पाप लगा? 1 किलो। अब मैं जानना चाहता हूँ आप सबसे, सोचिए कि वो जो गोली से वो मरा उसका कितना पाप है और उसे मारने का परिणाम हुआ उसका कितना पाप है और उसकी ऐसी मान्यता है कि मैं मार सकता हूँ उसका कितना पाप है।
ये हमें बंटवारा करना है कितने का, एक किलो में, एक किलो में 1000 ग्राम होते हैं ना, अब 1000 ग्राम पाप लगा। अब तीनों का बंटवारा आप अपने अपने दिमाग में करो। अब गवर्नमेंट का तो मैं बता देता हूँ कि गवर्नमेंट तो उसके मरने की को ही सारा अपराध मानती है और केस चलता है, फांसी की सजा होती है, आजीवन कारावास होता है। यदि वो गोली यहाँ से निकल जाती और वो आदमी नहीं मरता तो उसे फांसी लगने वाली नहीं थी, क्योंकि जिसे तुम मारने के लिए उसको केस चला रहे हो वो तो जिंदा है, यानी उसके हिसाब से तो उसका मरण ही पूरा बंध का कारण है, मैंने पूरा अपराध वो ही है कि वो मर जाना। यदि वो नहीं मरा तो अपराध हुआ ही नहीं, अपराध हुआ ही नहीं तो केस का आएगा। वो मारने की भावना से गोली चलाने की कोई धारा होती होगी थोड़ी बहुत है, और उसमें थोड़ा जुर्माना होता होगा, 2-4 महीने की सजा का प्रावधान होगा, वो तो नाके बराबर ही है ना उसका। तो वो तो ये मानता है कि मरना ही सारे पाप की जड़ है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जैन धर्म के हिसाब से आपका दिल क्या बोलता है कि इसने वो गोली मारी चलाई और यदि वो गोली बगल से निकल जाती क्यों, तो उसे पाप लगता कि नहीं लगता, और लगता तो कितना लगता, पूरा 1 किलो। सब एक स्वर से बोल रहे हैं। अब जैन दर्शन की और गवर्नमेंट की मान्यता में कितना बड़ा अंतर है, वो गवर्नमेंट की नहीं, वो सारी दुनिया की मान्यता है। अब हमें समझ लो कि सारी जगत की इस मान्यता से टकराना है। हमें ये कहना है कि उससे बिल्कुल, चाहे वो जी मरे, आता क्यों नहीं अपने शास्त्रों में आता है, प्रथम सार में गाथा आती है क्या ना, मारो न मारो जीव को ये वो बंद अद्वसान से, है ना, अद्वसान भाव हो गया, मारने का भाव हो गया, बंद तो बंद से नहीं बचोगी, क्योंकि वो जीव का बचना और मरना तो उसके पुण्य पाप और उसके कर्मबद्ध के अनुसार था, वो तूने तो कोई कसर छोड़ी नहीं, ख्याल में ना, तूने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो जैन दर्शन क्या कहता है, देखो कि वो जो गोली से मरा उससे रंच मात्र भी बंद नहीं होगा कर्म का। सुना आपने कभी ये बात, जैन दर्शन की बात है, आपके लिए बोल रहा हूं, इन्हें तो कई दफे सुना चुका हूं मैं, क्यों भाई, जैन दर्शन में मानता है ना, अपने तंदुल मत्स्य की कहानी आती क्या नहीं आती, शंभू रमण समुद्र में एक बहुत बड़ा मछली होता है, 10,000 योजन का, ये बड़ा बड़ी मछली होती है बड़ी, और उसकी आँख में एक छोटा सा की मछली आँख के अंदर होती है, तो बड़ा मत्स्य ऐसा मुँह खोल कर पड़ा रहता है और उसके अंदर हजारों मछलियाँ आती हैं और चली जाती हैं, आती हैं और चली जाती हैं। वो आँख में बैठा मछली सोचती है कि कैसा मूर्ख है, ये मुँह में आ गई, ये बंद कर लेता मुँह तो सब पेट में चली जाती और निकल जाने दी, मैं होता तो एक को वापस नहीं जाने देता। अब वो तो आंख में बंद है, खा तो एक को भी नहीं सकता है, साथ में रख जाता है। शास्त्र में लिखा एक जीव को नहीं मारा और साथ में रख गया, जीवों के मरने जीने से बंध का कोई संबंध नहीं है। अब और कठिन परीक्षा है, अभी किसको स्वीकृत होगी नहीं होगी वो बाद में देखी जाएगी, पहले क्या कहता है जैन धर्म इस समय सार, हम उस बात को तो सुन तो लें, स्वीकृति की बात फिर कभी देखेंगे। जतीश भाई कहते हैं कि वो जो 1000 ग्राम पाप लगेगा ना, तो वो मारने के भाव से लगेगा 1 ग्राम और मैं मार सकता हूँ ऐसी मान्यता से लगेगा 999 ग्राम। स्वीकार है नहीं, नहीं ये तो बहुत अन्याय है,
वो मान्यता तो अंदर ही अंदर है हमारी, उसने तो किसी को कुछ किया ही नहीं। ये मारने का भाव नहीं होता, वो मान्यता बनी रहती क्यों? वो कहते ये तो चारित्र का दोष है भाई साहब, वो मारने का विकल्प खड़ा होना तो चारित्र का दोष है, और मैं मार सकता हूं ऐसी मान्यता ये श्रद्धा का दोष है, उसका अनंत गुणा फल है। मैं तो हजार गुणा कहा, शास्त्र में अनंत गुणा लिखा है कि श्रद्धा का अनंत गुणा दोष और उसका चारित्र के दोष में अनंतमा भाग, क्योंकि वो अनंतानबंदी दोष कैसा बनेगा, और वो अनंतानबंदी नहीं है, वो मारने का भाव अनंतानबंदी नहीं है, क्योंकि भरत चक्रवर्ती के अनंतानबंदी कैसा है नहीं थी, और भाव तो आ गया था बाहुबली तक को मारने का, अनंतानबंदी नहीं था। क्यों कि मारा तो नहीं, अरे मारा नहीं उसे क्या फर्क पड़ता है, तुमने चक्र चला दिया क्यों, अब वो नहीं मरे बचे वो उनके भाग्य की बात है। मैं एक यूनिवर्सिटी में व्याख्यान दे रहा था, एक लड़के ने उठा एक पत्थर फेंका वहां से और मेरे यहां से निकल गया। मैं कहा भाई क्या करता है, अभी मेरा माथा फूट जाता तो बड़ा आकर के बोला फूटा तो नहीं, फूट जाता तब कहता, नहीं तब क्या कहता, फिर तो अस्पताल भागता तब क्या कहता अस्पताल भागता। अरे भाई के हिंसा तो तब होती है तेरा माथा फूटता उसमें से खून निकलता। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं क्या हिंसा मेरे माथे में भरी है, वो जब फूटेगा तब निकलेगी कि उसके हृदय में पैदा हुई है, बोलो। हिंसा तो उसके हृदय में पैदा हुई है, ख्याल में आई ना, मेरे माथे में से नहीं निकलनी थी, वो मैं बच गया तो भी उसके हृदय में हिंसा तो पैदा हो ही गई और उसका दंड तो उसे मिलना ही चाहिए, जैन धर्म के हिसाब से मिलता ही है। तो इसलिए क्या कह रहे हो, देखो यह खतरनाक बात कि जो तुमने भोग भोगा, समझो स्पर्श इंद्रिय का जरा ज्यादा सेंसिटिव बनाने के लिए कहता हूं मैं, कहते उससे रंज मात्र बंद नहीं हुआ। क्या कह रहे, उसे बंद का कोई लेना देना नहीं है, और तुझे भोगने का भाव हुआ उससे एक ग्राम बंद, और तू ये भोग में सुख है, ये सुख बुद्धि हुई इससे अनंत गुणा बन, ऐसा गजब का ध्यान दर्शन। धीरे धीरे कभी अपन बात करेंगे, अब तो बैठेंगे ना एक साथ साथ तब बात कर, लेकिन ये एक भाग्य से ये कलश आ गया कि जिम पर जनित अपराध से बदते नहीं जन जगत में, तिम भोग भोगे किंतु ज्ञानी जन कभी बंधते नहीं। मूल संस्कृत में है जी, आप संस्कृत तो जानते नहीं, ज्ञानिन भुंक्ष परापराध जन तो नास्ती है बंधस्तवा। ज्ञानी जन भोगते हैं फिर भी वो जो शरीर की क्रिया हुई है वो तो परापराध है, पर के द्वारा हुई अपराध क्रिया है, उसके कारण रंजमात्र भी बंध नहीं होता। कि बंध तो हुआ है, क्या हुआ, हम कब कहते नहीं हुआ, लेकिन इसके कारण नहीं हुआ, वो भोगने के भाव के कारण हुआ है। देखो आगे बहुत बढ़िया कलश है, देखो बहुत अच्छा, मैं सुनाता हूँ मैं आपको, निकालो पेज नंबर 345 और 151वां कलश के पद्यानुवाद पढ़ो। कर्म करना ज्ञानियों को उचित हो सकता नहीं, भोगने से बंध नहीं है पर भोगने के भाव से तो बंध हो। इसलिए तुम ये मत समझ लेना कि बेटा हम बच गए,
हम तो वो सिद्धांत का ज्ञान करा रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की क्रिया का कर्ता नहीं है। बंद तो हुआ लेकिन भोगने की क्रिया से नहीं हुआ, भोगने से भाव से हुआ, तो फिर क्या करें? क्या बंद नहीं हो? बोलो सगतन जी, क्या करें? आगे नीचे की लेन में लिखा, इसलिए निज आत्मा में रत रहो, अपने आत्मा में लीन हो जाओ, बंद नहीं हो। तो ये बात सब आगे आने वाली है। इन्हीं कलश के बाद आचार्य जयसेन की टीका में वो तीन गाथाएं आती हैं जिन्हें वो सोने बनाने की विधि बताई है। अब उन गाथाओं का पद्य अनुवाद पढ़ो बेटा, पढ़ो। वो तुम्हारे उसमें तो है नहीं, इसे तुम पढ़ते नहीं हो रोजेना, अभी इसमें पढ़ो। ज्यो नागे फणि जड़े मूत्र अरो सिंदूर सीसा धातु में धोके नीसे धोका नल में तपाने से स्वर्ण हो। देखिए क्या लगा, नाग फणी की जड़, हथनी का मूत्र, सिंदूर एवं सीसा नामक धातु को धोकनी से धोक कर अग्नि पर तपाने से स्वर्ण बन जाता है। ये लिखा है मूल गाथा में लिखा। अब भैया ये जाके घर पर प्रयोग मत करना। कुंदाचारी देव ने लिखा है, वो सोना बनाने की विधि लिखी है, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो समझते थे पंडित लोग आत्मा आत्मा की बातें करते हैं। क्यों तमजन जी, अब घर पे जाके बनाए और नहीं बने सोना तो क्या हो? तो जयसेनाचार्य की टीका में है ना गाथा है, जयसेनाचार्य के भी गले बात उतरी नहीं। क्यों कि बन जाएगा ये चार पांच चीजें बताई, इतना सरल है तो कितना ही लोग कितना सोना बना लेते, ये कोई महंगी चीजें भी नहीं है। नागपणी एक वो होती है जड़ी बूटी, तो उसकी जड़ है ना, और गाय का मूत्र, हथनी का मूत्र और सिंदूर और सीसा, अभी कोई महंगी भी नहीं है क्यों सा, और इनसे सोना बन जाए, कितना भाव तेज जा रहा है अभी है? जैसे नाचार्य को अंदर में आ गई बात कि ये लोग जाकर प्रयोग करिए बिना मानेंगे नहीं, और जब नहीं बनेगा तो फिर मेरी टांग पकड़े बिना रहेंगे नहीं, कि कुंद कुंद का तो स्वर्गवास हो गया है 1300 बरस पहले, उन्हें तो पकड़ नहीं सकते, और टीका तो मैं लिख रहा हूं, क्यों क्यों तो मुझे पकड़ेंगे। तो उनने क्या किया इसमें, उस टीका में एक चीज और जोड़ दी कि बात चीज भी डालना पड़ेगी। क्या ये इतनी चीजें तो हैं लेकिन एक चीज और डालनी पड़ेगी, क्या के पुण्य का उदय लिखा है इसमें, मूल संस्कृत में लिखा है। अब कह ले आ जाओ जितने लोगों को आना है, के साहब नहीं बना तो तुम्हारे पुण्य का उदय नहीं होगा, हम क्या करें। मैंने इस पर बहुत मंथन किया है, मेरे मूल अनुशीलन में मैंने सब उसे विचार में था कि भाई इस जगत में और भी जितने कार्य होते हैं ना,
वेद ऐसे ही संयोग से होते हैं ना, क्यों? लेकिन उसमें भी तो पुण्य का योग की दवाई डालनी पड़ती है ना। देखो मैं पूछता हूँ, बाल बच्चा पैदा होने की क्या विधि है, और सोना बनाने की एक तरफ रखो, सोने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना बच्चे तो अपने बेटा हो तो सोने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना घर में, क्यों? सोना ज़्यादा मिलना महत्वपूर्ण है कि बेटा होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है? और उसकी भी जो विधि है बताइए शास्त्रों में, कि माता पिता रज वीरज सो वो मिलता है, और जे होता है वो अब टेस्ट ट्यूब बेबी भी पैदा हो गए, उनकी सबकी विधि है क्या? नहीं लिखी? तो ऐसी विधि ये तो तुम जाके सोना बनाने की मिलाओगे कि नहीं मिलाओगे, लेकिन बच्चे जैसे पैदा होते हैं वैसी विधि तो लाखों लोग रोजाना मिला रहे हैं और बच्चे पैदा नहीं हुए। हो जाते सबके, बोलिए, और सदा हो जाते, कभी हो जाता कभी नहीं होते। क्या जवाब है बोलो दिलीप भाई है? कोई एक अकेले सोने के पीछे क्यों पड़ते हो? जगत में जो विधियां सर्वमान्य मानी गई हैं, जिसमें आज तक किसी ने कोई प्रश्नवाचक नहीं लगाया, क्यों? कि ये चीज बनने की प्रक्रिया ये है, समझे ना? ये खेत में गेहूं बो, पानी डले, खाद डालो, बहुत बढ़िया फसल आती है, क्यों? बरसात हो, सब आती कि नहीं आती? और फिर भी कई जगह नहीं आती, जिसके पुण्य का योग हो तो बहुत बढ़िया फसल आती, जिसकी नहीं होती नहीं आती। तो वो जो पुण्य का योग हम जोड़ रहे हैं वो अकेले इसी में नहीं है, दुनिया के हर कार्य में वो बात है। देखो चक्रवर्ती बनने के लिए क्या करना पड़ता है बोलो? कि छह खंड को जीतना पड़ता है, और जो छह ही खंड जीत गए आओ उसे जीत लो तो तब तो अपना हो ही गया ना। भरत चक्रवर्ती छह खंड जीत के आए और बाहुबली ने उन्हें जीत लिया, अपने शास्त्रों की बात है कि नहीं है? तो अब तो बाहुबली चक्रवर्ती हो गए ना, छह खंड के मालिक कौन हो गए? जो जीता वो ही हुआ ना। लेकिन नहीं हुए, क्यों नहीं हुए बोलो? क्यों नहीं हुए? क्या कमी रह गई बोलो, सोचो। क्योंकि चक्रवर्ती होने का पुण्य उनके पल्ले में नहीं था, तो वो पुण्य की बात है ना। वो तो कहते छह चक्रवर्ती में पैदा हो जाए, छह खंड को जीत ले, एक जितनी जितनी बातें शास्त्र में लिखी हैं वो तो सब पूरी हो गई थी है? क्या हुआ फिर? कि वो चक्रवर्ती चला दिया भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली को मारने के लिए, तो वो जाकर के तीन प्रदक्षिणा उसने दी बाहुबली की, नमस्कार करके वो लौट के आगे भरत के हाथ में फिर आ गया ना। क्या अर्थ है इसका? तो हम बहुत तरकीबें निकालते हैं, परिवार वालों पे नहीं चलता है, ऐसा नहीं होता। तुम्हें पता है कहाँ पता है हमें? भरत चक्रवर्ती को पता नहीं होगा, तो उसने क्यों चलाया? जब चलते ही नहीं है परिवार पर, तो धर्म शरीरी पे नहीं चलता, फिर क्यों चलाया? तो फिर बाहुबली की समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? कि चक्रवर्ती में कह रहा है कि तुमने भले ही भरत को हरा दिया हो, लेकिन मेरे को रखने की पुण्य तुम्हारे पल्ले में नहीं है, ना मैं भरत का दास हूं और ना मैं बाहुबली का दास हूं, मैं तो उस पुण्य का दास हूं, जिसके पास वो होगा उसके पास रहूंगा, सोच लो। और बाहुबली की समझ में आ गई हैं? तुमने कहा एक ही रास्ता है, कौन सा? कि या तो स्वीकार कर लो पराधीनता भरत की, और या दीक्षा ले जाओ। ले गए दीक्षा, क्योंकि एक किसम क्या कमी रह गई थी बाहुबली ने, मैं क्या कमी रह गई थी मैं आपसे बताओ, सेकंड का मालिक बनने में कोई पुण्य की रह गई थी ना? ऐसे कई प्रश्नोत्तर उठाकर मैंने इसमें लिख सिद्ध किया है कि वो तो जैसे ना चार्य ने कोई अपनी तरफ से वैसे ही थोड़ी जोड़ दिया। जो जो जगत में सर्वमान्य जिस कार्य होने की विधियां हैं, समझ गए ना,
वो विधियाँ संपन्न होने पर कभी काम होता है और कभी नहीं होता है, तो उसका क्या कारण होता है? अंत में सब यही तो कहते हैं कि भाई तेरे भाग्य में नहीं था। भाग्य माने पूर्व पुण्य का उदय, और क्या है, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि आचार्य देव कहते भैया कि समय सार हमने सोना बनाने के लिए नहीं लिखा है? एक जरा सही घटना सुनाता हूं। मैं जब 45 साल पहले यहाँ पर जयपुर में आया था, दशहरे के दिन मुझे 45 साल हो जाएंगे, गवर्नमेंट सर्विस छोड़ के आया था इंदौर से, एजुकेशन में था। तो यहाँ मेरे बड़े मंदिर में, बड़े दीवान जी के मंदिर में प्रचार होते थे, और पंडित चैनसदास जी यहाँ के प्रसिद्ध विद्वान थे, सर्वमान्य, उनकी अध्यक्षता में व्याख्यान होता था रोजिना। तो एक दिन मैंने व्याख्यान में एक उदाहरण दिया, और वो ये था कि ब्राह्मी बूटी का, कि ब्राह्मी बूटी एक ऐसी दवाई है, क्यों तुम थे शायद, जो एक श्रोता मेरा अभी 45 साल पुराना यहाँ बैठा है, हाथ उठा दी, ये थे, उस सभा की सही घटना बता रहा हूँ मैं, कि ये ब्राह्मी बूटी वो चीज है कि जिसे घोंट के पिलाओ तो पागलपन दूर हो जाता है, शास्त्र में ऐसा लिखा है, आयुर्वेद के शास्त्र में ऐसा लिखा है। और वो कैसे पिलाई जाती है, पानी में खड़ा करके, उस पागल आदमी को पानी में यहाँ तक डुबा के खड़ा किया जाता है, क्यों, क्योंकि यदि वो नहीं पचे तो वोमिटिंग होगी, और वोमिटिंग होगी और जहाँ वो गिर जाएगा उसका छांटा, वहाँ कोढ़ हो जाता है। तो कोढ़ से बचाने के लिए पानी में इतना लग करके जो वोमिटिंग होगी तो एकदम पानी में जाएगी और पानी आगे बह जाएगा नदी के पानी में, बहते हुए पानी में, तो वो उसे कोर नहीं होगा, इस तरह पिलाई जाती है। ऐसा ही ये समय सार ब्राह्मी बूटी है, मैंने कहा उदाहरण कि इससे मिथ्यात्व का पागलपन गारंटी से दूर होता है, लेकिन इसका एक डर भी है कि यदि ये नहीं पचेगी तो स्वच्छंदता का कोर हो जाता है। ये मैंने उदाहरण दिया था 45 साल पहले सन 67 के परिसर में बड़े दीवान जी के मंदिर में। तो वो जो अध्यक्ष थे बुजुर्ग विद्वान, मेरे पिताजी से भी बड़ी उम्र के, उन्होंने क्या किया कि दूसरे दिन दो तीन वैद्यों को बुलाया और उन लोगों से पूछा कि ऐसा पंडित जी ने कल बोला था तो ये बात क्या सही है आयुर्वेद के हिसाब से? तो वैद्य का भी लिखा तो है ऐसा, शास्त्र में लिखा तो है ऐसा आयुर्वेद में, तो उन्हें प्रमाण, उन्हें बहुत संतोष हुआ। और फिर दूसरे दिन उन्होंने आए और अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि जब डॉक्टर भारेल ने ये बात कही थी तो मैंने इस बात की तपास दो तीन वैद्यों से की और वो बात सच्ची निकली और तालियां बज गई उस वक्त, और वो सब मामला मारा हो गया। लेकिन मेरा माथा गर्म हो गया, दूसरे दिन प्रश्न में मेरा नंबर था, वो तो अध्यक्षीय भाषण था, खत्म हो गया। तो मैंने दूसरे दिन कहा कि मुझे ये बात पसंद नहीं आई, क्यों, क्योंकि यदि वो वैद्य कह देते कि ऐसी कोई दवाई आयुर्वेद में नहीं थी तो क्या होता, तो मैं झूठा साबित हो जाता, फिर तो मेरी क्या दुर्दशा होती। अरे मैंने तो आयुर्वेद शास्त्र की जो बात है वो कही थी, मैं वैद्य नहीं हूं, यदि मेरी बात झूठी साबित हो जाती तो मुझे नकली वैद्य मान सकते थे, नकली पंडित नहीं क्यों, उससे तो मैंने सिद्धांत की बात कही थी, वो सिद्धांत की बात तो गलत नहीं निकली, सिद्धांत तो सही है ना समय सार के बारे में। इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये आयुर्वेद के विद्वान नहीं थे कौन, कुंद या कोई भी, जो इसमें बातें लिखी हैं, और तुम आयुर्वेद की कसौटी पे कसो, वो तो जो लोक में चीजें प्रसिद्ध थीं, उन्हें अपनी बात को समझाने के लिए उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर।
ऐसे ही इन नग्न दिगंबर संतों को सोना बनाने की विधि से क्या लेना देना। आपने भर्तृहरि और शुभचंद्राचार्य की कहानी तो सुनी होगी ना, दो सगे भाई थे, दोनों ने दीक्षा ले ली, एक ने दिगंबर दीक्षा ले ली और एक वैष्णव साधु बन गया, समझे ना। अब दोनों दोनों को जो तो वैष्णव साधु बना था ना, उसने को सोना बनाने की उसने एक दवाई बना ली, उसे रसायन बना लिया ऐसा कि जिससे वो लोग पत्थर पे डालें तो सोना बन जाता था। अब वो उसे पता विकल्प आया कि मैंने कितनी बड़ी उपलब्धि की। जो आदमी जब कोई बहुत बड़ी उपलब्धि करता है तो अपने घनिष्ठ वो जानना चाहता है कि मेरे परिवार वाले, मेरे भाई, माता पिता, बाल, ये लोग जाने इस बात को, सारी दुनिया ने जाना और अपने परिवार ने नहीं जाना तो फिर क्या मतलब रहा। होता क्या नहीं होता, हर एक कोई भाव होता है कि हम जाने। तो उन्हें पता लगाया कि मेरा भाई कहाँ है, तो देखा कि वो तो एक नंगा बैठा है एक पहाड़ी पे, कुछ उसके पास नहीं है, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, पहनने ओढ़ने को कपड़ा नहीं है। तो बहुत दया आई, तो अपने एक शिष्य को भेजा एक उसमें वो रसायन लेके और कहा कि तुम अपने उनको जाकर के दे आओ मेरे भाई को, वो बता देना कि ये सोना बनाने की विधि है, सोना बन जाएगा इससे जो तुम बनाओगे तो। अब वो ऐसा नंगा क्यों रहता है, आराम से कपड़े पहने, ठाट बाट करे, शादी कर ले, जो भी करना है करे। अब उनके पास पहुंचा और उन्होंने कहा कभी भर्तृहरि ने भेजा है ऐसा ऐसा ऐसा। उन्होंने कहा मुझे क्या लेना देना सोने से, मैं क्या करूँगा सोने का, जाओ वापस ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। और उसने इसके लिए तपस्या की थी, घर में सोने की कमी थी, राजकुमार थे, कितने सोने की कमी थी क्या घर में, फिर यहाँ आगे बने और सोना बनाने की विधि में सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे नहीं चाहिए ले जाओ वापस। वो कह नहीं साहब, मैं गुरु जी बहुत नाराज होंगे, मैं तो दे के जाऊँगा, कि नहीं मेरे गुरु जी तो मेरे को बहुत नाराज होंगे। कैसा दे के जाएगा कि हाँ कि डाल दी जमीन पे, कुछ डाली जमीन पे, ऐसे डलवा दी पूरी की पूरी, मिट्टी में मिल गया, कुछ नहीं हुआ, चला गया वो। गुरु जी ने पूछा क्या हुआ, कि दे आया, कहाँ दे आया, कि हुआ क्या, फिर तो सभी देवता दूर हो गई होगी, सोना बन गया होगा जे हो। कहे उनने कुछ नहीं, उनने तो ऐसा ऐसा कहा, जे कहा, वो सारी कहानी सुनाई और फिर कहा, क्या कहा, कि मिट्टी में डाल दो, मिट्टी में मैंने डाल दिया वो खराब हो गया। अरे अभागा, पाप का उदय हो तो ऐसा ही होता है, ऐसा मिल गया, पुण्य की उदय के बिना तो मिलता ही नहीं है कुछ। अब तेरे से मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं भाई को ऐसा नंगा धड़ंगा नहीं देख सकता, मैं भाई के साथ ऐसा हो नहीं देख सकता, मैं तो उसको समझा बुझा कर और उसे रसायन दूंगा। अरे हमारे घर वालों के काम नहीं आया तो किसके काम आया, गया सा। फिर उन्हें आपस में बाद बाद हुआ बहुत लंबा, वो समझाए उन्हें, वो समझाए उन्हें, क्यों अंत में वो जो आचार्य थे ना, क्या नाम था, तो उनने कहा कि तू क्या समझता है। उन्होंने ऐसा पसीना बूंद निकाली, पसीना आ रहा था ना, और ऐसी पर्वत पर फेंकी तो सारा पर्वत सोने का हो गया। ये क्या हुआ, इसमें पंक्ति आती है, देऊ असुचि की धार तो गिरी कंचन हो जाए। क्या, मैं अपने अपवित्र पानी की धार दूं, असुचि का धार का मतलब पेशाब की धार भी हो सकता है, लेकिन अपन तो भी पसीना ही अच्छा है। क्यों, देऊ असुचि की धार तो गिरी कंचन हो जाए। तू क्या समझता है कि लौकिक उपलब्धियां कोई उपलब्धियां हैं, कि तूने बड़ा सोना बनाना सीख लिया, लेकिन क्या करूं मैं सोने का, अब सोने के पर्वत पे बैठ जाऊं, क्यों सोनागिरी हो जाएगा और क्या होगा।
अरे हमें चाहिए ही नहीं। उन नग्न दिगंबर जो साधु संत हैं उनको लोग सोने बनाने की विधि से क्या लेना देना है, वो तो लिखी उनने देखी कहीं, तो उनने अपना उदाहरण के लिए काम में ले ली, इतनी सी बात है। क्यों अब हम लोग जितने उदाहरण देते हैं सभाओं में प्रवचन करने के लिए तो कहाँ से लाते हैं, ऐसे यहाँ वहाँ देखते हैं और वहाँ से उदाहरण लेकर आपके सामने परोस देते हैं उसे अपने तत्व की बात समझाने के लिए। तो उनने देखी बात और लिख दी। अब उन्हें ये पता नहीं था कि ये मेरे बीतरागी के भगत लोग भी सोने के प्रति इतने आकर्षित हैं कि ये मेरे उससे सोने बनाएंगे के चक्कर में लग जाएंगे। इधर मैंने कहा था ना अपना सुमेर पर्वत है ना, देखा है कि नहीं देखा, मुझे संजीव बता देगा नक्शा बनाकर। नक्शा सुमेर पर्वत तो सुना होगा ना आपने, सुमेर पर्वत होता ना जैनियों में, उसके अंदर शास्त्र में लिखा है सैकड़ों मन सोना शुद्ध बिल्कुल प्योर उसके अंदर है। लिखाया क्या लिखा है पूछो, है ना, शुद्ध सोना प्योर उसके अंदर में इतना भरा है। लेकिन मैं जब ये बात बताता हूँ तो साथ में ये भी कहता हूँ भैया जाकर के उसे उखाड़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो सुमेर पर भी खोद डालो। लेकिन कोई दुनिया की ताकत उसे खोद नहीं सकती, यदि वो निकाल सकती होती तो आज तक तुम्हारे लिए नहीं बचता। पहले ऐसे लोभिया बहुत हो गए जो निकाल के उसे ले जाते, ख्याल में आई ना, तुम्हारे लिए नहीं बचता वो। अरे ये तो जो वस्तु का स्वरूप था आचार्यों ने वो बताया है, तुम्हारे इस लोभ के पोषण के लिए ये बातें नहीं है, तुम्हें वो सिद्धांत समझा रहे हैं उदाहरणों के माध्यम से, तुम तो उसे समझो। तो ये जो सोना बनाने की विधि भी इसी रूप में इसमें आई है। यहाँ तो वो ये बता रहे कि जैसे पुण्य के बिना वो सोना नहीं बन सकता, ऐसे ही बाहर कितने ही साधन जुटा लो तत्समय की योग्यता के बिना और अनुकूल पुण्य पाप के उदय के बिना कोई कार्य इस दुनिया में संभव नहीं है, क्योंकि असली कारण तो उपादान और निमित्त है ना। तो उपादान तो अपने तत्समय की योग्यता है और निमित्त कर्म का उदय है। ये बाही जो बातें तुम कह रहे हो, ये मिलाओ इनमें क्या दम है, बोलिए। इस तरह अब देखिए वो जो अपन ने कलश पढ़ा था कौन सा, दो पंक्तियां अंत में कि जिम पर जनित अपराध से बंधते नहीं जन जगत में तिम भोग भोग। अब इसी बात को सिद्ध करने वाली ये चार गाथाएं हैं, अभी कल चलाएंगे इन्हें। ये चार गाथाएं हैं, जो बात वहां कही है जो कलश में कही है उसी बात को इन गाथाओं में कहा है। कल अपने इन पे विस्तार से चर्चा।